11 बजे तो आएंगे कब? 1:30 बजे भोजन के टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता हॉल भरता जाता है, जैसे जैसे भोजन का समय नजदीक आता है। आप सब ऐसे नहीं, आप तो कथा ही सुनने आए हैं, क्योंकि मुझे आपसे बिगाड़नी नहीं। अभी 7 दिन रहना है आपके बीच में, बिगड़ी तो कल से हॉल खाली। सुनना भी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम कहते हैं केवल सुनने से कोई फायदा नहीं, पर सुनना भी बड़ी बात। आज के समय में कौन किसकी सुनता है? ये तो व्यासपीठ की कृपा है जो इतने लोग बैठ के चुपचाप सुनते हैं, नहीं तो बहू सास की नहीं सुनती, पत्नी पति की नहीं सुनता, पति पत्नी की। एक जोक सुना, टाइम है आपके पास? टाइम हो तो ही सुनाना चाहिए, श्रोता का मूड देख के। उज्जैन आ रहा है कुंभ का मेला, कुंभ चल रहा है उज्जैन में। तो ऐसी भारतीय में विचारधारा है कि कुंभ के मेले में भाई भाई या भाई बहन बिछड़ जाते हैं। तो एक आदमी कुंभ के मेले में बीच सड़क पे खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके भगवान से प्रार्थना कर रहा, हे प्रभु कुछ तो न्याय करो, कुछ तो न्याय करो। पूरी जनता वहां से निकल के जा रही है, सब सोच रही क्यों चिल्ला रहा है न्याय करो, ऐसा भगवान ने इसके साथ क्या न्याय कर दिया। और कोई कुछ पूछ नहीं रहा, हो सकता है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम, सब चले। एक आदमी ने हिम्मत दिखाई, उसने कहा भैया इतना देर से चिल्ला रहे हो न्याय करो न्याय करो, आखिर आपको चाहिए क्या भगवान से? भगवान ने आपका कुछ बिगाड़ा? बोले नहीं नहीं बिगाड़ा नहीं। तो फिर बोला हे प्रभु कुछ तो न्याय करो, हमेशा कुंभ के मेले में भाई भाई बिछड़ते, कभी कभार पति पत्नी पर भी ट्राई करो। कभी कभार यहाँ हंस लो जितना हंस सकते हो, क्योंकि घर जाके तो वैसे भी आपको हस्बैंड ही होना है। ऐसे बहुत सारे, अभी तो 7 दिन आप आइए हंसते रहे। ये क्यों होता है? जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सो जाते हैं ना, ये उनके लिए होता है, नींद से जगाने के लिए, क्योंकि भागवत नींद से जगाने का काम करती है। खैर, या देवी सर्वभूतेषु, मैं तो भाइयों को एक ही सलाह दूं, कभी भी पत्नी से ज्यादा झगड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बुरा मान रही और करवा चौथ वाले दिन पानी पी लिया तो छुट्टी आ गए काम से। पत्नियों के पास सबसे बड़ा धमकी यही होती है, बात ना मानो तो अभी पानी पीऊं। एक आदमी भारत में कह रहा था, बेचारा कोई होगा अपना दुख का मारा, बोला भारत की परंपरा में इतने सारे व्रत हैं कि पत्नी ना करे तो पति के स्वास्थ्य को परेशानी होती है, ये होती है वो, बहुत सारे व्रत है भारत, पत्नियां करती पति के, और पत्नियां नहीं करेंगी तो पति का स्वास्थ्य खराब हो जाए, पर एक व्रत ऐसा नहीं जो पति ना करे तो पत्नी को जुखाम भी हो जाए। कोई तो एक ऐसा व्रत दे दो जो हमारे हाथ में भी कुछ पावर हो, जो पत्नी भी डरे कि भाई नहीं करेंगे तो। लेकिन स्त्री तो महान होती है, इसलिए सबको पीछे उठ के चलना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। तो सुनना भी आज के समय में बड़ी बात है, और अगर सुनने के साथ साथ आप इसको जीवन में उतार लो, इस भागवत को अपने जीवन में बिठा लो, फिर तो आनंद ही आनंद है। इसलिए भागवत प्रारंभ करते हुए, भगवान की चर्चा करते हुए, श्री सूत जी की कथा आती है, सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशा श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान कृष्ण और राधा रानी को हम प्रणाम करते हैं। नैमिष्ये निविश्चित्रे ऋषये सोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। श्री नैमिषारण्य तीर्थ में
88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और वहां पर श्री सूत जी पधारे। सभी प्रार्थना करते हैं सूत जी से, 88,000 ऋषि, हे प्रभु आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे कलयुग में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो सके। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कलयुग में बहुत भयंकर समय आ रहा है। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हे दवे सूताख्या ही कथा सारम मम करन रसायन। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हे दवे, काल के मुख में व्यक्ति घुसता जा रहा है, भयंकर समय बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में भगवान की प्राप्ति का कोई साधन बताइए। एक समय ऐसा था जब व्यक्ति को माता पिता की सेवा करने के लिए झगड़ा होता था। अगर चार भाई हो तो झगड़ा होता था, क्यों? माँ हमारे घर रहेगी, हमारे पास रहेगी। समय बदला, वो समय आ गया जब झगड़ा तो होता है, पर झगड़ा इसलिए नहीं होता कि मेरे घर नहीं, बोले तुम्हारे घर मां नहीं, इसलिए झगड़ा बना। इसलिए धीरे धीरे समाज में गलत धारणाएं बढ़ने लगी, गलत परंपराएं बढ़ने लगी, वृद्धाश्रम खुलने लगे, और हद तो तब हो गई जब भारत जैसे वर्ष में, भारत जैसे देश में जहां श्रवण कुमार जैसा पुत्र हुआ, उस भारतवर्ष में वृद्धाश्रम शुरू हुआ। गांधी जी के पास एक निमंत्रण आया, एक लेटर आया, पत्र आया। कुछ कमेटी थी, कुछ ट्रस्ट था, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया, निमंत्रण दिया कि हम एक वृद्धाश्रम खोल रहे हैं और चाहते हैं उसका उद्घाटन आपके हाथों से। गांधी जी ने वापस एक लेटर लिखा और उसमें लिखवाया कि मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है कि मैं आपके उस कार्यक्रम में आ सकूं, उस वृद्धाश्रम के उद्घाटन में, पर हाँ एक वादा मैं जरूर करता हूँ कि जिस दिन आपका ये वृद्धाश्रम बंद होगा उस दिन वहां खुशियां मनाने के लिए जरूर आऊंगा। खुल रहा है इस बात की मुझे खुशी नहीं है, लेकिन जब बंद होगा तो खुशी मनाने जरूर आऊंगा। इसका मतलब कृपया ये मत समझिएगा कि जो वृद्धाश्रम बना रहे हैं वो गलत है, मैं ये नहीं कहती। बहुत सारी संस्थाएं जो बना रही हैं वो एक मजबूरी है कि जब माता पिता का कोई देखने वाला नहीं तो कहाँ जाए, वो मजबूरी है। लेकिन गांधी जी कहते थे जैसे हमारे भारत वर्ष में वैश्याल्य कलंक की बात है, वैसे एक वृद्धाश्रम भी कलंक की बात है। ये दिखा रहा है कि हमारी धर्म, हमारी संस्कृति गिर रही है कि हम माता पिता को अपने घर रखने के भी सामर्थ्य में नहीं। इस कथा से केवल भगवान के बारे में तो हम जानेंगे, कथा का मुख्य उद्देश्य यही, पर छोटी छोटी जो समाज में बुराइयां हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं उन पर कुछ चर्चा की जाए ताकि लोगों के हृदय में कुछ परिवर्तन आए। और इस कथा से आप जितने यहाँ आए हैं सब ना बदले, अगर आप एक भी बदल जाए तो ये कथा सफल हो जाएगी। इस कथा से एक व्यक्ति का भी उद्धार हो जाए, एक भी अपने मन को, विचारों को बदल दे, क्योंकि ये पक्का है। आप समाज की परेशानी क्या है, अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते पर अपने बच्चों से अपनी सेवा जरूर कराना चाहते, पर बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। उपदेश की आवश्यकता नहीं आज के बच्चों को, बहुत ज्ञानी हैं पहले से, उनको उपदेश नहीं चाहिए, उनको कर्म करके दिखाएं। छोटा सा उदाहरण आता है, कहते एक कोई महिला थी
उसके घर में एक ससुर जी थे। तो ससुर जी बूढ़े हो गए, जॉब नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, तो उसने क्या किया, घर के बाहर एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे में ससुर जी को रख दिया और हाथ में एक बेल, घंटी जो होती है, वो दे दी कि जब भी आपको कोई काम पड़े तो आप इसको बजा देना, तो मैं भीतर से आके आपका जो भी काम है वो कर दूंगी। तो दादाजी बजाते थे, अब कई बार तो आ जाती थी, कई बार जान के नहीं आती थी, अनसुना कर देती थी। पर एक दिन क्या हुआ, पूरा दिन जो घंटी है वो नहीं बजी, पूरा रात नहीं बजी, सुबह हो गई अब भी नहीं बजी। उन्होंने सोचा ऐसा आज दादाजी को क्या हुआ, तो दिन में 10 बार बजाते थे। वहां गई, जाके देखा तो जो दादाजी है उनका शरीर पृथ्वी से नीचे पड़ा, पृथ्वी पर पड़ा है, चारपाई से नीचे गिर गए और आंखें बंद, श्वास बंद, वो दुनिया से जा चुके थे। अब उसको लगा कि चलिए दादाजी जब कुछ हो रहा था, कुछ परेशानी, तो घंटी क्यों नहीं बजाई। इधर उधर उधर देखा, ढूंढा तो घंटी कहीं नहीं मिली, बार बार देखती है पर कहीं नहीं मिलती है, अंदर जाके ढूंढती है तो भी नहीं मिली, पूरे घर में ढूंढ लिया कहीं नहीं मिली। तभी उसका एक छोटा सा 7-8 साल का बेटा दौड़ा दौड़ा है, बोले मम्मी क्या कर रही हो। बोले मैं घंटी ढूंढ रही हूँ बेटा, मिलने नहीं। बोले घंटी, अरे वो तो मेरे पास है। तेरे पास, तूने क्यों रखी। बोले वो तो मैंने जाके अपने संदूक में, बॉक्स में, बैग में रख दी। क्यों। बोले जब आप बूढ़े हो गए तो आपके लिए नई नई खरीदनी पड़ेगी ना, यही काम आ जाएगी। सिखाने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप वो करेंगे जो वो देखेंगे। इसलिए हम सब का दायित्व है कि आप सब यहाँ, हाँ यंगस्टर भी हैं कुछ, लेकिन फिर भी आप बड़ी अवस्था के लोग हैं, आप सबके घर में बच्चे होंगे या ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, पोता पोतियाँ होंगे, आप सब उनको सत्संग से तो जोड़िए ही, साथ साथ स्वयं उनको करके दिखाइए। हो सकता है आप माला करने बैठो एक दो दिन।